अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमैर। आज मैं जो है आपको बताऊंगा इस प्रोडक्ट के वाले से इंफॉर्मेशन कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप किन किन यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो है एक ब्लूटूथ माइक्रोफोन है जिसका मॉडल नंबर है WS858 वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल से कनेक्ट होके वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर सकता है और साथ में आपके एज अ वायरलेस स्पीकर के तौर पे और एज अ बिल्ट इन माइक्रोफोन के हवाले से वर्किंग कर सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें बटन्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इसमें तकरीबन बहुत सारे बटन्स हैं फ्रंट पे और एक टॉप के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रीवियस और नेक्स्ट मिलता है, ये पॉज का बटन है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन है। इसी के साथ आपको यहाँ मिलता है एक माइक, माइक के वॉल्यूम को और रिमिक्स के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से इसका बटन प्रेस रखना है। The Bluetooth device is ready to pair. इसकी जो आवाज़ है आपको सुनाई दी है कि ऑन हो चुका है, और अगर आप इसको एज अ यूज़ करते हैं बिल्ट इन माइक्रोफोन स्पीकर के साथ, तो इसमें जो रिकॉर्ड का माइक का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा की ब्लिंक की आवाज़ आएगी और उसके बाद मेरी जो आवाज़ है आपको सुनाई दे रही होगी इस माइक के ज़रिए। अगर इसको मैंने इस्तेमाल करना है तो मुझे काफ़ी हद तक अपने मुंह के पास रख के बात करनी पड़ेगी, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो अपनी आवाज़ को ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो मुझे जो है इस तरह से आप इसको एज अ बिल्ट इन माइक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो रिमिक्स का बटन है इसका उसको नीचे कर दें तो मेरी जो आवाज़ है वो आपको दिख रही होगी कि रिमिक्स जो इसकी टून है वो बहुत अजीब सी है, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग के बटन को फिर से प्रेस करूँगा तो इसकी जो आवाज़ थी वो अब चेंज हो जाएगी। हेलो 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 हेलो। तो ये मेरी एक ओरिजिनल वॉइस आ चुकी है जिसके ऊपर मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें एज अ कैरियोके की तौर पे गाना गा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे टीवी की स्क्रीन पे म्यूज़िक चल रहा है और उसके ऊपर मैं जो है गाना देख देख के गा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से गाऊँगा। हेलो ये आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ गाना गाने के लिहाज से तो ये एक तरह से बिल्ट इन माइक और स्पीकर है। तो अगर आप चाहते हैं, ये तो इसका एक पहला फॉर्म था, अब अगर आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये वहाँ पर भी स्पीकर के तौर पर काम करेगा। इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने इसकी जो मेन लाइट है उसको ऑन करना है, आपको नीली जो है लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। जब ये ऑन होगी तो फिर आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है और यहाँ से ब्लूटूथ का बटन प्रेस करके रखना है, जिसमें आप इंटरनल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे इसको ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और अवेलेबल डिवाइस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास WS858 आ चुका है, इसको मैं कनेक्ट पेयरिंग करूँगा और पेयर हो जाने के बाद जिसमें ये हमें बता रहे हैं कि कनेक्टेड हो चुका है। और अब हम जाएंगे वापस अपने YouTube के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड हो चुका है माइक से, और जो इसकी वॉइस है वो इस मोबाइल इस के ज़रिए आपको सुनाई दे रही है। जो इसका माइक है वो आपको दिख रहा है। तो इससे आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके इसको ऐसा वायरलेस स्पीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है
और अब मैं इसको एज ए वायरलेस माइक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी भी यहाँ पे मुझे किसी भी वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी हद तक 5 फीट या 6 फीट की दूरी पे अपने मोबाइल से दूर खड़ा हुआ हूँ और इसको मैं एज अ इंटरव्यू लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी पर्सन से, किसी भी इंसान से जो मेरे साथ खड़ा हुआ हो। तो इस तरह से आप इसको एज ए वायरलेस माइक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पर्सनल माइक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लगाना लगा के छोड़ दें तो वो नहीं होगा, लेकिन इसको हम एज अ इंटरव्यू के माइक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें से किस तरह की आवाज़ आपको आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।